22 अक्टूबर दूसरे ही दिन से मेरा फिजियोथेरापी स्टार्ट किया, स्टार्ट हो गया। ओके, दूसरे ही दिन से, ठीक है। और वहां पे दूसरे दिन से ही ओटी। पहले दिन जब फिजियोथेरेपी आया तो उस पहले तो आपको कंडीशन देखा होगा, समझा होगा, रिपोर्ट पढ़ा होगा, फिर उसका मतलब क्या कहना था, वो आपको देख के क्या सोचा और फिर क्या मतलब चैलेंज लिया है। एक होता है ना कि फिजियोथेरेपी चैलेंज लेते हैं कि मुझे इनको ठीक करना है, राइट, तो वो सब क्या देख के उनका क्या सोच था उस फिजियोथेरेपी में। She's amazing therapist. कि सबसे पहले तो वो आके हंसी जी मेरी ओर, क्योंकि she is a spiritual. Okay. तो उनको इतना पता था कि ये पेशेंट जिंदगी से हार चुका है जी जी, क्योंकि स्पाइनल इंजरी में यही होता है, लेडर बोवेल सेक्सुअलाइज और सेंसेस इंसान को मार देता है, इंसान को मार देता है, ठीक है। तो उन्होंने आके सबसे पहले मेरा हंसी, गुड मॉर्निंग भाई भाई कैसे है, ऐसा वैसा ये वो, और फिर पूरा शांति से सारे रिपोर्ट्स वगैरह देखे, फिर बोला कि आपको बस आपके अपने आप पर भरोसा रखना है, ठीक है, ईश्वर के ऊपर भरोसा रखना है, ठीक है, और एक्सरसाइज के ऊपर भरोसा रखना है, ठीक है, और कोई चीज में नहीं गिरना है। आपके रिश्तेदार आके क्या बोलते हैं उसके कान बंद रखो, जो लोग सब दूरा धागा करवाते हैं ये सब करते हैं उससे दूर रहो, ठीक है, और कोई झूठे झूठे लोग जो बातें बोलते हैं कि 50,000 दे देता हूँ आप चलने लगोगे, 2,00,000 दे देता हूँ आप दौड़ने लगोगे, ठीक है, मैं आपको चैलेंज करता हूँ, मैंने भी एक्सपीरियंस किया है। तो उन्होंने आके पूरा पहले दिन एक विजन क्लियर किया, एग्जैक्टली वही होता है, विजन पहले दिन से अगर आपका माइंड क्लियर है कि मुझे चलना है, ये आपके माइंड में है, तो उस हिसाब से फिर बॉडी वर्क आप फिर आप भी उस टाइप से बॉडी वर्क करते हैं या काम करते हैं। और उससे भी बड़ी बात ये कही कि किसी से सहानुभूति नहीं लेना, एग्जैक्टली कोई भी आके रोए ना तो उसका आपको हंस के ही वेलकम करना है, ठीक है जी, जी। कि ये टाइम में ना लोग आकर आपको शांत होते, अरे मेरे बेटे के साथ क्या हुआ, अरे मेरे भाई के साथ क्या हुआ, अरे इनके साथ क्या हो गया, क्या हो गया यार, एग्जैक्टली सर, मैं वही बोल रहा था कि कभी भी मैंने कहीं एक लाइन पढ़ा था बुक में, वहां पे लिखा था कभी भी आप डिमोटिवेट फील करे हो, आएगा कुछ भी अगर ऐसा फील करो तो आप ऐसे व्यक्ति से बात करो जो आपको डिमोटिवेट पॉजिटिव वे में बदल दे, आप ऐसे व्यक्ति से बात करो, क्योंकि उस टाइम पे पॉजिटिवनेस बहुत ज्यादा जरूरी रहता है। आप अगर रोएंगे डिमोटिवेट होंगे तब फिर बॉडी वर्क वैसा नहीं करता है, आप जैसा सोचोगे ऐसा आपके साथ होगा, एग्जैक्टली डाल दिया ना दिमाग में कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा आपका दिमाग वही सोचने लगेगा मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। जो होता है वो अच्छे के लिए होता है जी, जो गया है वो गया है, ठीक है, आपके पास वर्तमान है जी, और वो वर्तमान में आप क्या करोगे कि जिससे आप अपना फ्यूचर बेहतरीन बनाओगे वो आपके ऊपर डिपेंड है। अब साला आप रो रोगे पड़े रहोगे तो कुछ नहीं होने वाला है, तो उन्होंने मुझे वही सिखाया। क्योंकि सर जी ना मैंने अभी इतने लोगों से बात किया, लोग परेशान रहते हैं, बोलते हैं मुझे नींद आता है, मैं एक्सरसाइज नहीं कर पाता हूँ, मैं दिन में 1 घंटे करता हूँ, वो मुझे ये होता है, मेरा ये प्रॉब्लम। मैंने बोला कि अगर प्रॉब्लम गिनाने जाओगे तो फिर तुम ठीक नहीं हो पाओगे, फिर प्रॉब्लम मत गिनाओ, तुम क्या बेस्ट कर सकते हो वो सोचो आप। राइट। तो उन्होंने मुझे कहा कि जब हम ईश्वर के पास मंदिर में जाते हैं, ये पुजारियों पंडे पुजारियों को छोड़ो, तो ईश्वर से डायरेक्ट बात करते हैं कि ईश्वर हमको ये दो, ईश्वर हमको ये दो जी, हमको गाड़ी दो, हमको बगला दो, बच्चों को एजुकेशन दो, ठीक है, तो आज तुमको सबसे ज्यादा जरूरत क्या है, तो उसका एक पोर्टफोलियो बनाओ। तो फिर उन्होंने मुझे वो विजुलाइज करवाया
कि उन्होंने मेरा पूरा विजुअलाइजेशन एक चार्ट बनवाया जिसके अंदर अलग अलग 6 से 7 स्लोगन लिखे हुए थे। पहला स्लोगन था कि मैं अपने दोनों पैरों के ऊपर खड़े होकर खिड़की के पास अपने बच्चे को देख रहा हूँ, ये पहला विजुअलाइजेशन था। दैट वाज अ बिग बिग थॉट फॉर मी, ठीक है, कि मैं अपने दोनों पैरों के ऊपर खड़ा हूँ। दूसरा, मुझे यूरिन और स्टूल का कंप्लीट सेंस आ चुका, ठीक है। तीसरा, कि मैं अपनी बेड मोबिलिटी कंप्लीट कर सकता हूँ। चौथा, कि मेरा अभी व्हीलचेयर मोबिलिटी बहुत बढ़िया हो रहा है। पांचवा, कि मुझे ये परिस्थिति में भी ये सारे दुख सहन करने की शक्ति दे ईश्वर से। और लास्ट, कि ये मेरी परिस्थिति में ये जितने भी लोग मेरे आसपास मेरी हेल्प कर रहे हैं, मेरे बीवी बच्चे, मेरे भाई बहन, माँ बाप, रिश्तेदार, परेश्वर, आप सबका तय दिल से शुक्रिया। Right, 100%, 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
यही चीज चाहिए थी ना exactly. ये चीज मानने के बाद मैं वापस उन सबका थैंक्स गिविंग कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये मुझे दिया और फिर उन्होंने मेरा पूरा देखा कि मेरे लिए सबसे पहले क्या जरूरी थी, तो मेरा सबसे पहले ब्रीथिंग इम्प्रूव करना था,